Assalamu alaikum. Today I am going to tell you about Kennedy Lugar Youth Exchange and Study Program test pattern and interview pattern. How to prepare parts test and how to prepare parts interview. इसमें मैं आप पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को इसका डिटेल बताया था, एप्लीकेशन का प्रोसेस बताया था. इसमें मैं आपको टेस्ट का पैटर्न बताता हूँ. मैंने खुद भी इसका टेस्ट दिया था 2-3 साल पहले कराची में बीच लग्जरी होटल में हुआ था. तो इसके लिए आपको एक स्लिप आएगा. स्लिप को फिर आपको मतलब आपके टीसीएस कर देगा आपको स्लिप को, या आपको ईमेल कर देगा. फिर आपको वहाँ पर टेस्ट सेंटर वहाँ पर लिखा हुआ है आपका. फिर इसके टेस्ट इस तरह होगा कि वहाँ पर मतलब आपका पहला चीज़ आपका लिसनिंग है. आप अपने लिसनिंग को सही करो. वहाँ पर स्पीकर्स लगाए जाते हैं तो स्पीकर से ऑडियो ऑन करता है. फिर आपको लिसन करना है और जो कह रहा है आपको शीट पे लिखना है या आपको सेलेक्ट करना है. इस तरह का कुछ सवाल होते हैं लिसनिंग के. तो लिसनिंग आपको इंग्लिश अमेरिकन फिल्म्स देखने हैं. बाकी आप अमेरिकन फिल्म्स देखो, ऑडियो यूट्यूब से डाउनलोड करो या गूगल से अमेरिकन ऑडियो अमेरिकन इंग्लिश के ऑडियो डाउनलोड करो और उनको लिसन करो, अपने लिसनिंग पावर सही करो. बाकी दूसरी चीज़ आता है आपका एसे राइटिंग. तो मतलब डिफरेंट आपको मतलब लिखने अपने बारे में, आपका इंटरेस्ट क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अमेरिका क्यों जाना चाहते हो, इस तरह की चीज़ें आपको घर में प्रैक्टिस करना है. टेस्ट से पहले टेस्ट में आपको एक लिखना है, एक आएगा दो ऐसे लिखने हैं, ज़्यादा नहीं लिखना है. तो वहाँ पर टू दी पॉइंट रहो, झूठ नहीं बोलो, जो सच है जो टू दी पॉइंट मतलब वही चीज़ आप बताओ अपने बारे में. तो मतलब रियलिस्टिक रहो. तो क्यों जो भी आप लिखते हो तो उसको नोट कर लेना, क्योंकि इंटरव्यू में भी फिर वहाँ पर भी आपको वही चीज़ें पूछ सकता है, उन चीज़ों के बारे में पूछ सकता है. पर वहाँ पर डिफरेंट आंसर नहीं देना, जो आपने लिखा था वहाँ पर सेम आंसर दे देना. तो इसके बाद आता है तो आपका मतलब आपके पास्ट के बारे में भी आपको बता सकते, मतलब पास्ट में आप क्या अच्छा काम करते थे. तो इसके मतलब इसके भी मतलब इस तरह भी ऐसे आते हैं मतलब ला सकता है. तो मतलब आपके लाइफ के बारे में होगा. उसके बाद आएगा आपका प्रीपोजिशन आपको प्रैक्टिस करना है, मतलब उनका यूजेज प्रैक्टिस करना है. बाकी सिनोनिम एंटोनिम आपको प्रैक्टिस करना है. दिन में अभी मतलब तैयारी शुरू करो, दिन में 5 या 10 सिनोनिम एंटोनिम प्रैक्टिस करो. मतलब इसके कुछ सवाल आते हैं इसके. तो इसके बाद आपका टेंसेज होते हैं, टेंसेज 12 टेंसेज हैं, वो आप प्रैक्टिस कर लेना. बाकी मतलब छोटे छोटे पैराग्राफ राइटिंग मतलब वो सवालों का जवाब दे देना. आपको मतलब गूगल से इस तरह के पैराग्राफ मिल जाते हैं जिनके सवालों का जवाब देना होता है नीचे. फिर आता है मतलब प्रीपोजिशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आपको थोड़ा बहुत देखने, पूरा नहीं देखो मतलब सरसरी थोड़ा बहुत इनके बारे में जानो. बाकी यही चीज़ आप प्रैक्टिस कर लेना. और इंटरव्यू के लिए आपको इस तरह करेगा कि इंटरव्यू में आपको 4 बंदों को बैठाएगा, उनको कहेगा डिस्कस करो भाई, आप लोग सोशल मीडिया पे डिस्कस करो. तो सारे लोग अपने ओपिनियन दे देते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, इसके भी मार्क्स होते हैं. बाकी इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा मतलब आप अमेरिका में जाके क्या करोगे, अमेरिका में जाके वहाँ पर आप मतलब पाकिस्तानी कल्चर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आर यू विलिंग टू डू दिस, और मतलब पेरेंट्स आपको इस चीज़ पे कोशिश या नहीं है, मतलब ये सारी चीज़ें आपसे पूछ लेगा. पास्ट के बारे में पूछेगा. टू द पॉइंट रहो, झूठ नहीं बोलो, झूठ बोलोगे फिर आपको सेलेक्ट नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा. तो इस तरह इसका वो है इंग्लिश. बाकी यही चीज़ प्रैक्टिस कर लेना, लिसनिंग राइटिंग कर लेना. बाकी स्पीकिंग पर टेस्ट को पास करने के बाद रिजल्ट आएगा. फिर रिजल्ट आने के बाद इंटरव्यू को डेट देगा. फिर आप अपना स्पीकिंग भी अच्छी तरह मतलब प्रैक्टिस कर लेना, उसका भी प्रैक्टिस कर लेना. तो आपका टेस्ट हो जाएगा, 80% आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा. बस ये चीज़ कर लेना. तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द टेस्ट एंड सब्सक्राइब माई